हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, हम टेंस के अंतर्गत फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में कंटिन्यूअस तक पहुँचे हैं। आज हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और स्पीकिंग की बात भी करेंगे। और जिस प्रकार से आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आप में से कई कह रहे हैं सर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, नाम वगैरह तो मैं आपका बोल ही रहा हूँ और नाम से आपको जवाब दे रहा हूँ, नाम भी आपका बोला जाएगा। कोशिश होगी हमेशा एक ही नाम रिपीट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे हैं, तो सबका नाम धीरे धीरे शुरू में भी बोलूँगा और लास्ट में भी इस प्रकार से। और हो सकता है बीच में कोई प्रश्न पूछ लूँ आपको, तो उस समय भी आप थोड़ा अटेंटिव रहें, देखते रहें कि किस प्रकार से जो जुड़े हैं उसमें राधा विश्नोई, एस के बालियान, गुर्जर उपेंद्र, रोहित कोहली। क्या है कि नाम बोलते कई बार क्या होता है कि आप बाद में देखना शुरू करते हैं, शुरू से वीडियो जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होती है, आप तुरंत आ जाइए सबको, उससे पहले थोड़ा सा पहले क्या है कि जुड़े और तुरंत पहले क्या कर दो, शेयर कर दीजिए, लाइक भी करें शेयर कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप के 5 ग्रुप में वैसे होता है, एक बार में 5 ग्रुप में हो सकता है, तो जल्दी से 5 ग्रुप में शेयर कर दो, फिर टाइम और है तो 5 ग्रुप में और कर दो, फेसबुक पे उस पर कर दीजिए आप, उसमें बता दीजिए कि ये क्लास अभी लाइव है, चल रही है, इसको ज़रूर देखें, स्पीकिंग की है, टेंस भी चल रहे हैं। रोहित कोहली, उसी प्रकार से टीचर प्रवीण, कैलाश प्रजापत, कुंभाराम हुड्डा सावरी से, प्रेम सिंह, दिनेश पटेल, एआर रेगर, ललित सोनी, गर्वित गर्ग, सोनम राव बदाना, यशवर्धन, मुकेश आंकला, सरिता पारिख, लक्ष्मण सिंह पिंटू आत्मा, गजेंद्र सिंह, छगन गर्ग, रामू जाखड़, भावना सिंह, बनी राजपुरोहित। आप बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में आप जुड़े हुए हैं और कई के नाम मान लीजिए आपका नाम पहले हो चुका है, बाद में और भी रिपीट करेंगे, मैं लास्ट में भी बोलूँगा। मनीष कुमार वर्मा, प्रताप सिंह असाड़ा, अनुराधा, रतन सिंह राव तन्नोट से, अनि अविनाश गोस्वामी, सुषमा प्रजापति, बहुत अच्छी बात है सुषमा प्रजापति जी मॉडल स्कूल से, महेंद्र सिंह एस रानीगांव से, बीकदान, केवल राम, चंचल सोडा, सुनील और सुनीता कंवर भाटी, हिमांशु, गर्वित प्रजापत, हिमांशु और गर्वित दोनों ही, खुमान सिंह राठौर, संदीप सिंह राजपुरोहित ठाकुरला पाली से, दिलीप सिंह अराबा से, जालम सिंह, नकद सिंह, हरी सिंह, जिज्ञासु, बहुत अच्छे तरीके से, मेडिकल स्टाफ भी अच्छे तरीके से सामूहिक रूप से देखते हैं, रितिका चौधरी, राजकुमार बोहरा, महेंद्र कुरड़िया, देवेंद्र सोनी, गज्जू बन्ना चेराई, मनोहर पटेल, हेमंत पटेल, कौशल्या पटेल, सालिना चौधरी, चेतन सांखला और चेतना सांखला, मोनिका सांखला चौखा से, साथ ही साथ गोपाल सिंह रानीगांव से, नवल सिंह राठौड़ बलाई से, मूल सिंह राठौड़ बलाई से, ओम प्रकाश डौकिया, प्रकाश राव, गुलाब सिंह, नरपत सिंह, कुंदन सिंह बालेसर, उसी प्रकार से जुड़े हैं संतोष चौधरी, सिंबू राम, शक्ति राम, बहुत अच्छी बात, आप काफ़ी शेयर आप अधिक से अधिक, मैंने देखा है इसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने आपको बोला आप अधिक से अधिक, एक तो आपका फ्रेंड सर्कल उसमें शेयर कीजिए, फिर आपका समाज का कोई ग्रुप है उसमें, फिर आपका आपके गांव से अलग जो है उसको वहाँ पर उनको भेजिए, वो देखेंगे आपके गाँव के अलावा जो दूसरे गांव वहाँ से जो आपके फ्रेंड सर्कल है, अलग डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अलग स्टेट वाले हैं, उनको भेजिए। सिंबू राम शक्ति राम जुड़े रहते हैं, अभिषेक राजपूत, रामावतार यादव, वीरू प्रजापत, अभिषेक जांगीड़, कुंभाराम हुड्डा,
जितेंद्र वैष्णवोसिया से अदिति मीणा अपने बार बार इसमें कमेंट्स भी किए हैं, ललिता चौधरी, शिवकांत मीणा, निर्मला विश्नोई, राहुल बंजारा, अजय प्रताप सिंह, अमूराम, श्याम चौधरी, छगनलाल सुथार, रत्नाराम जाखड़, हेमंत कुमार, नवनीत कुमार, आशुराम, शिवराम चौधरी और साथ ही साथ जयप्रकाश, ललित सोनी, पूनम गोदारा, बिश्नोई ब्रदर्स, कमलेश मीणा, आशीष मीणा, दिनेश कुमार, हरी सिंह, पिंकी चौधरी, कैरी मिनेटी, वसीम अकरम गौरी, रामू जाखड़, सूर्य प्रताप सिंह, जी एस राठौड़, गजेंद्र सिंह, निकिता राजपुरोहित, अजय पाल बिश्नोई, भावना, रईस खान, महावीर सिंह भाटी, बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं आप में से, और विजय सिंह फूलन, विक्रम सिंह, कुमकुम चौहान, सैकड़ों की संख्या में आप है, चाहे विरन चित्रा बोलावत, अक्षिता बोलावत, राजवीर सिंह राठौड़, कोमल देवासी, तखत सिंह गेवड़ा, इस प्रकार से आप सैकड़ों की संख्या में और भी है, मानसी प्रजापत, संजू भाटी, हजारों की संख्या में जुड़े। शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि सभी को क्लास का फायदा मिले। शुरू करते हैं हम अपने, और भी हम नाम लेता रहूँगा, लेकिन हमारा मुख्य मकसद कि समय हमारे को पढ़ाई पे ज़्यादा देना है। नाम भी रिपीट होते रहेंगे, शुरू में, बीच में, लास्ट में और पिछली क्लास में, ऐसे आप सीखें। हमारा मकसद ये है कि अपेक्स क्लासेज एजुटेक का मुख्य मकसद है कि आपको बहुत ही अच्छी सामग्री अवेलेबल करवाना, और वो आप अधिक शेयर करें तो हजारों के पास, लाखों के पास पहुँचे। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस के अंतर्गत इसमें हमने पढ़ा, सिंपल हमने पढ़ लिया था, और उसके अंदर जो भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंटरगेटिव, नेगेटिव जो भी बन रहा था वो आपको बताए। आज हम लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी फ्यूचर टेंस का दूसरा भाग फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके अंदर देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से हमारी सभी जो बातें हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इंट्रोडक्शन इन हिंदी, हिंदी में पहचान। कुछ बच्चे कह रहे थे इंग्लिश सीखना जरूरी है क्या आज के टाइम में, आज के समय में ऐसी कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं जहाँ इंग्लिश, देखिए आपके घर पे जो भी बिल आता है, लाइट का बिल, पानी का बिल, दूसरी जब कंप्यूटर वगैरह, सब जगह इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है, और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर उसके अंतर्गत आपका इंग्लिश मीडियम में दिया, तो इंग्लिश तो आपका नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और न केवल आपको आगे रखेगी, हिंदी हमारी मातृभाषा के रूप में यदि हम यूज़ करते हैं, राष्ट्रीय भाषा तो है ही, तो हिंदी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी का महत्व नहीं है, देखिए हिंदी में पहचान, मैं इसमें बता रहा हूँ, पहले आपका काम दोनों, हिंदी में पहचान भी बता रहे हैं, इंग्लिश में, तो हम दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए महत्व सभी का है। हिंदी में पहचान, हिंदी का वाक्य बनाने पर, हिंदी का वाक्य बनाने पर अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, होगा न होकर के होगा। अब इसमें देखिए किस प्रकार से, प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, कंटिन्यूस की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, इस टाइप। पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, भूतकाल की बात। और फ्यूचर में हम पढ़ेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, कर रहा होऊंगा, होऊंगा ना होकर के होऊंगा, ये होता सही शब्द। जैसे मैं हकाय कर रहा
होऊंगा या फिर वह खाना पका रही होगी। उसी प्रकार से वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इस रूप में रहा होगा, इस रूप में हम बना देते हैं, जैसे राम पत्र पढ़ रहा होगा। ऐसे देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, नहीं होगी, रहा होगा, जो भी अंत में इस प्रकार से आएंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत माने जाएंगे। इस रूप में ये हिंदी में पहचान हुई। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत कि इसकी दूसरा स्टेप हमारा क्या है, अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान। इसमें देखिए, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या होगी, देखिए शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी। आपको क्या करना है, आई और वी के साथ शैल बी। वैसे देखा जाए, आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि शैल बी का प्रयोग वर्तमान में बहुत ही कम हो गया है, न के बराबर हो गया है। टेंस के हिसाब से हम ले रहे हैं उसमें कि इसमें प्रयोग यू दे ही सी इट नेम ये है, तो इनके साथ विल बी का प्रयोग करें। वैसे डिटर्मिनेशन के अंतर्गत देते हैं तो उसमें अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। अब ये जो रूल है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंट सिंपल, सॉरी कंटिन्यूअस के अंदर, पास्ट कंटिन्यूअस में, कि किस प्रकार से आईएनजी वाला सब में हमेशा वो रहे, आईएनजी का जो रूल है कि कब सिंगल ही हटाना है, कब नहीं हटाना है, कब डबल होगा, किस प्रकार से, पूरा इसको एक्सप्लेन किया है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले पार्ट में। उस वीडियो को आप देखिए, उसमें आपको पूरे रूल्स वगैरह जितने भी इसके बनते हैं बहुत बढ़िया तरीके से विस्तृत रूप से समझाए गए हैं। अच्छे तरीके से आप उसको देखें और अधिक से अधिक उसको फिर शेयर भी करते जाएँ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन चीज़ है, जब तक बेसिक चीज़ आपको बारीकी से चीज़ें समझाई है कि शब्द इसको ये बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, नहीं तो बोला कई बार होता है शब्द बोलते हैं कि यहाँ पे इसको आपने फ्यूचर क्यों पढ़ा, तो उत्तर मिलता है कि क्योंकि टी साइलेंट है। अब टी साइलेंट है ये तो हमारे को भी पता है, लेकिन उत्तर सही क्या है, तो उन चीज़ों को हमने बड़े अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल पर आपको बहुत ही विस्तृत और आपका जो नॉलेज है कि सामने 1000 स्टूडेंट बैठे हैं, प्रश्न पूछा है तो उसमें प्रश्न पूछते आपका हाथ खड़ा हुआ कि मैं इसका उत्तर बता सकता हूं, इस टाइप का नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें देखिए आई वी के साथ शैल बी लगाएं, यू दे ई सी इट नेम के साथ में विल बी लगाएं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रूल्स आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से आपको करना है, अंग्रेजी में ये पहचान इसके अंतर्गत। अब इसमें एक ध्यान रखनी है कि हमने पहले भी पढ़ा है, देखिए इसको लेकर के स्ट्रक्चर पहले लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ उसमें, फिर आपको जस्ट पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, देखता हूँ आप कितने अटेंटिव है उसको लेकर के, ध्यान रखते हैं कि नहीं, कितना रेस्पॉन्स है इसमें आपका पता लगाऊंगा अभी, ठीक है। तीसरी बात जो है, पहले हम लेते हैं हिंदी में पहचान, फिर लेते हैं अंग्रेजी में पहचान, तीसरे में लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, फिर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसके बाद में यूजेज, यूजेज का अर्थ है प्रयोग, यानी जब हम करेक्ट फॉर्म के माध्यम से आपके सामने एक्सरसाइज लेते हैं या मैं आपको जो सेंटेंस देता हूं वो उसका प्रयोग, एक प्रकार से वाक्यों का प्रयोग, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है।
इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, प्लस साथ में क्या लगाएंगे, या तो विल बी या शैल बी, आपको सब्जेक्ट के अनुसार देखना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आदि है, तो लास्ट में इस रूप में ये स्ट्रक्चर बन गया। शुरू में क्या कीजिए, इसको देख करके ही सेंटेंस बनाओ, देख के बनाइए, उसके बाद में जैसे ही सेंटेंस समझ में आ गया कि बन इस प्रकार से बनता है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो तुरंत क्या करो, उसमें आप जल्दी से सीख जाएंगे। तो उसके बाद में आप बिना देखे बनाएं तो धीरे धीरे आप टेंस के मामले में इस प्रकार से टेंस आपको दावे से कह रहा हूँ कहीं पर भी नहीं पढ़ाए गए होंगे, जिसमें आपको इस फॉर्मूले के की पार्ट, जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो सिंपल में कैसे एक्टिव बनता है, कैसे पैसिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव, सब इस प्रकार से जो है ना, और बड़े विस्तृत तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए और इसको पढ़ लिया ध्यान से, आपको यहाँ दावे से कहता हूँ आप ज़िंदगी में कभी इस टेंस को नहीं भूलेंगे। बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इसका फ़ायदा लिया और बता भी रहे कमेंट्स के माध्यम से कि सर हमारे को बहुत समझ में आ रहा है, आपने तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी क्लास ये लगा रखी है अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस जो हमने लिया है, अब देखिए इसमें हम जब सेंटेंस बनाएंगे, पहले इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल बी विल बी है, शैल बी विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस रूप में है ये हमने स्ट्रक्चर वैसे पहले आपको बता दिया है। यहाँ हम सेंटेंस लेंगे इसलिए, तो यहाँ सेंटेंस हमने क्या लिया था, पहले वहाँ पे आते हैं, यहाँ हमने एक सेंटेंस लिया था पहला कि मैं गृह कार्य कर रहा होऊंगा, देखिए मैं गृह कार्य कर रहा होऊंगा, इस रूप में सेंटेंस है एक। दूसरा सेंटेंस हमारा है वह खाना पका रही होगी, वह खाना पका रही होगी, इस रूप में है। नेक्स्ट में देखिए वह खाना पका रही होगी, फिर है वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्रिकेट की स्पेलिंग लिखो सभी, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, जल्दी करो सभी क्रिकेट की स्पेलिंग लिखो, क्रिकेट कैसे लिखते हैं। और उसके बाद में है राम पत्र पढ़ रहा होगा, राम पत्र पढ़ रहा होगा, क्रिकेट की स्पेलिंग लिखी सभी ने, किस रूप में लिखी है, देखिए क्रिकेट में ध्यान रखना है कई क्या करते हैं सी आर सी ई टी ऐसे कर देते हैं, सी आर आई सी के ई टी ये है, सी आर आई सी के ये ध्यान रखना है क्रिकेट इस रूप में। अच्छा क्रिकेट यानी खेल भी है, और इसी क्रिकेट का एक अर्थ और होता है झिंगूर, क्रिकेट यानी झिंगूर, एक झिंगूर होता है छोटा सा एक इस प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जिसको भी क्रिकेट बोलते हैं, वो झिंगूर होता है, इस प्रकार से रात्रि के समय में वो झिंगूर बोलता है, चमकता भी है इस रूप में। अब देखिए यहाँ हमने वाक्य बनाई, तो उसको जब चेंज करेंगे इस हिंदी के जो वाक्य इसको इंग्लिश में बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, यहाँ सब्जेक्ट क्या, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आई, वह को क्या ये पका रही होगी स्त्रीलिंग, तो वह को क्या कहते हैं सी, उसी प्रकार से वे को क्या कहेंगे दे, उसी प्रकार से नाम है या राम तो आ गया राम, यानी ये क्या ले लिया हमने सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना, इस रूप में जनरली आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए आई के साथ में क्या लगेगा, तो हमने जनरली वैसे शैल बी आप विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, सी के साथ में विल बी, दे के साथ में विल बी,
राम के साथ में विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है, करने को क्या कहती है, डू, या पकाना है तो कुक, यहाँ पे खेलना है तो प्ले, पढ़ना है तो रीड, ठीक है। अब संयोग से यहाँ पे सभी में सीधा आई एन जी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के बाद में आई एन जी, यहाँ आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी और आई एन जी, सीधा यही जुड़ रहा है सभी में। थोड़ा चेंजेस का होता तो उसमें हम जोड़ देते, जैसे शब्द होता कि टेक, तो फिर हम क्या करते हैं आई एन जी लगाते समय, लास्ट में सिंगल ई है इसलिए हटता और हो जाता टेकिंग, ठीक है। और सी होता तो इसमें सीधा जुड़ता डबल, कट होता तो क्या होता, टी से पहले स्वर है, वोवल है, एक है, इसलिए लास्ट में आई एन जी लगाने से पहले लास्ट जो भी अक्षर है वो डबल हो जाएगा, और डबल टी, सी यू डबल टी आई एन जी। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन आपको समझे पहले बता दी है। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, आई शैल बी डूइंग, क्या कर रहा है गृह कार्य यानी होमवर्क, उसी प्रकार से क्या पका रहे हैं खाना फूड, क्या कर रहे खेल रहे हैं क्रिकेट सी आर आई सी के टी, यहाँ क्या कर रहे पढ़ना तो पढ़ना क्या सॉरी पत्र, तो पत्र के लिए लेटर, एक पत्र है तो अ लेटर, इस रूप में ये सेंटेंस बने फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर एक्टिव वॉइस में। अब आप में से बताइए इसके पैसिव वॉइस को लेकर के क्या होगा, क्या इसका पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताएं, जिसको आता है वो लिखें जल्दी से कि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जल्दी से बताओ। जिसको भी ध्यान है आप जो पढ़ रहे हैं सभी, मैं भी थोड़ा आपकी जांच कर रहा हूँ कि कितना को पीछे की क्लासें कितनी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, सब पता चल जाएगा अभी या तो आज पता चलेगा, देख तो कैसे पता चलेगा, यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। जल्दी से बताएं इसका फ्यूचर कंटिन्यूस जो हम पढ़ रहे हैं इसका पैसिव का क्या स्ट्रक्चर बताएं, कर दिया सभी ने, चाहे छोटा सा भी बताएं, देखिए इस टाइप से जल्दी से। हाँ देखिए हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, शुरू में जब इंट्रोडक्शन हुआ था, जब टेंस शुरू किए थे ना, उसमें मैंने बताया था कि आप में से बहुत सारे जुड़े तो रहते हैं तो याद भी किया कईयों ने तो बहुत अच्छे तरीके से, फ्यूचर में मैंने उसमें बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनता, यदि किसी ने स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया तो गलत है ना, तो इसका मतलब आपने पिछली क्लास से मान लीजिए नहीं देखी है तो वो देखें, और यदि उसको सीरियसली बहुत बढ़िया इतना विस्तृत तरीके से समझाया है, आपको लगेगा कि हाँ सर ने बड़े गहराई से इस टाइप से, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं। पड़ोस का गांव है वहाँ से है, आपके समाज का कोई ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल का कोई ग्रुप है, आपके ज़िले के दूसरे ज़िले का, आपके स्टेट के दूसरे स्टेट का, उसको भी शेयर कीजिए और उसमें लिख के भेजो कि ये क्लास है इस प्रकार से और इसमें इस टाइप से मटेरियल है, आप इसको सब्सक्राइब वगैरह करें, और साथ ही साथ अधिक बहुत ही फ्री क्लास ऐसे चल रही है और आपको बहुत ही इसका आनंद आएगा, तो अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए अपने मित्रों को, सभी को लाभ मिले, आप अकेले ही लाभ, ऐसा नहीं कि हाँ बस मेरे को बस मैं इसमें सीख जाऊंगा अकेला, ऐसा नहीं, सबको आगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।